जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेट लॉस बाटी। इन बाटियों को आज हम तलेंगे नहीं, ऐसे ही घी लगाएंगे ऊपर से। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं ये वेट लॉस बाटी। ये वेट लॉस बाटी के लिए हमने एक कटोरी मल्टीग्रेन आटा लिया है और एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा है, ज्यादा बारीक नहीं है। अभी इस आटे में हम डालेंगे नमक, ये धनिया पत्ती है सूखी हुई, इसको डालेंगे। ये जीरे डालेंगे थोड़े, जीरे वेट लॉस में बहुत फायदा करते हैं। थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। अब इनको मिक्स कर देंगे सबको। इसमें एक चुटकी खाने का सोडा भी डालेंगे, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसे, और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें एक दो चम्मच घी डालेंगे मौन के लिए, ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, इसलिए मौन भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना काफ़ी है। बाटी में तो ज़्यादा लगता है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरे आटे में मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। ये हमने इसमें मौन लगा लिया, देखो ज़्यादा बाटी का तो ऐसे करते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, इसमें नहीं बनी है, बस थोड़ा सा डाला है, मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे आटे को। ये आटा हमने गूंथ लिया, अभी इसे थोड़ी सी देर 10-15 मिनट रेस्ट करने देंगे, इसके बाद फिर बनाएंगे। अब 10-15 मिनट हो गए और हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया, तो अब हम इसे बनाएंगे बाटी। इसको थोड़ा सा सही करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर इससे बाटी बनाएंगे। आटे को हमने ऐसे ही रखा है मीडियम, ना बहुत ज़्यादा कड़क है ना बहुत ज़्यादा नरम है। हम ये बाटियों को ऐसे बाटी के आकार में भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं पतला पतला। हम इनको ऐसे भी बना सकते हैं पतली, थोड़ा हाथ से ही पतला कर लिया, और ऐसे दोनों तरह से बना सकते हैं। हमने ओवन को गैस पर गर्म होने रख दिया। अब ओवन गर्म हो गया तो हम इस पर बाटी रखेंगे। इस तरह से हमने ये वाली बाटियों को रखा। अभी इसको थोड़ा पतला पतला बनाया है, अब इनको अच्छे से दोनों तरफ से सिकने देंगे। ये हमारी बाटी इतनी अच्छी सिक के तैयार हो गई है। अब इनको तलेंगे नहीं, ऐसे ही घी लगाएंगे ऊपर से सारी बाटियों में, ऐसे ही करेंगे। इस तरह से हम घी लगाएंगे बाटियों में। इस तरह से हमारी सारी बाटियां बन गई और वेट लॉस बाटियां तैयार हैं। वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि हम खाना कम खाएं, हमें खाना कम नहीं खाना है, हमें सही खाना खाना है। हम सही खाना खाएं, टेस्टी खाना खाएं और साथ में अपना वेट लॉस भी करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।